अबे आपके भाग भी के एक और सुनाए साथ उस चैप्टर से आएगा। इसमें आपके बिंदु दे रखे हैं तीन, जैसे ए बिंदु तो दे रखा है पांच और दो, दूसरा है बी वो है चार और सात, और सी है आपके सात और -4। हमें ज्ञात करना है एरिया, एरिया ट्रायंगल, यानी कि क्या कहते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, 1/2 cos² x y प्लस x कोष्टक y माइनस y प्लस x कोष्टक y माइनस y। क्या लिख सकते हैं 1 2 3 या 2 3 1, ये दो पीछे भेज दो तो 3 1 2, फटाफट सूत्र याद भी हो जाए और लिख भी सकते हैं। याद रखना 1 2 3, 1 को पीछे भेज देना है तो हो जाएगा 2 3 1, फिर 2 को पीछे भेज दो तो 3 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें आपके ये तो कहलाएगा x1 और y1, ये कहलाएगा x2 और y2, या अलग से लिख सकते हो x1 = 5 y1 = 2, ऐसा लिख सकते हो आप। नहीं तो फिर इसको बहुत बड़े बड़े अक्षर लिख दो, एक लाइन छोड़ दो बीच में गैप में, और 3 लगा लिख दो कि ये है आपके x3 और ये है आपके y3, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। फिर देखो 1/2 है ये कोष्टक, x1 5 है, ये 4 है और 7, पहले ये लिख दो कोष्टक के बाहर है, पहले वो लिख लो 5 4 7, ये हो जाएगा 5 कोष्टक + 4 कोष्टक + 7 कोष्टक। अब y2 और y3 साथ में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे -4 घटाएंगे, फिर है आपके y3 y1, y3 कितना है -4, में से घटाएंगे कितना घटाएंगे y3 - y1 ये रहा 2, फिर है y1 y2 दो में से घटाएंगे कितना 7 घटाएंगे। 1/2 है ये, 5 को गुणा करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस, माइनस क्या हो गया प्लस, ये 7 और 4 कितने हो गए 11, प्लस 4 × ये -2 और ये -4, तो हो जाएंगे -6, तो ये हो जाएंगे -6 प्लस 7 का 7, 7 को -का और 2 प्लस का, 7 में से 2 गया, पीछे कितना बचे हैं 5, ज्यादा कौन सा है माइनस 1/2, ये हो गया आपके 55, 6 चौक 24, गुणा करते तब चेंज चेंज होता है, गुणा और भाग में चेंज चेंज, जोड़ भाग में चेंज चेंज नहीं होता, -35। 1/2 × 55 माइनस कितना हो गया 59, 1/2 × कितना हो जाएगा आपके 4, 4 ही बचा, ज्यादा कौन सा है आपके माइनस का, ये काट दो जाएगा -2। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी काट दो, उधर की तरह का आपको प्लस का लिखना है, ऐसे लिखेंगे क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। आप क्षेत्रफल क्या होगा आपके 10 का 2 हो जाएगा, वर्ग इकाई यूनिट स्क्वायर, 14 यूनिट स्क्वायर वर्ग इकाई होगा, क्योंकि या तो ना प्रश्न, या तो सेंटीमीटर है ना किलोमीटर है ना मीटर है, तो इकाई लिखते हैं, इकाई मतलब वो लाइन होती है, क्योंकि ये तो आपके ग्राफ का है, तो ग्राफ जो होती है प्रत्येक यूनिट, अब वो उसने क्या माना है उस पर निर्भर करता है, ये आए मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर। अब दे रखा है आपके ए तो है 6 और 5, बी दे रखा है आपके -4 और 5, अभी एक सवाल है यहाँ से 2 नंबर का, तो 7.1 है और 7.2 है, उनको मिलाओ, 7.1 में कोई खास है नहीं, 7.1 में इतना सा है, एक तो आपके दूरी याद कर लो, दूरी का कम चांस आने का, तो
जो क्वेश्चन नंबर है 7 से 10 वो मिलो, 7.2 मिलो, इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। अब देखो ए बिंदु दे रखा है, बी बिंदु दे रखा है, ये किसने कहा है कि एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष का अगर वो बिंदु ज्ञात करो, एक्स अक्ष का है बताओ, एक्स अक्ष का होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु कौन सा, सवाल भी आया हुआ आपके 9th में आता था, एक्स अक्ष बिंदु कौन सा, x0। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लाना है तो वाई का मान 0 होना चाहिए और एक्स का एक्स ही रहेगा, दोनों से क्या है ये समान दूरी पर है, समान दूरी पर है तो बताओ एक्स का मान क्या होगा, ये करना है हमें, ज्ञात करना है, यही पूछा है। अब देखो यहां से भी दूरी समान है, यहां से भी दूरी समान है, दूरी का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह होता है आपके अंडर रूट। अब ये दूरी जैसे मान लो कि सी पॉइंट है, ए सी दूरी और बी सी दूरी लेंगे हम, ए सी दूरी और बी सी दूरी, पहले ए सी ज्ञात करने के लिए ए सी का मान लगाएंगे, फिर बी सी ज्ञात करने के लिए बी सी का मान लगाएंगे। x2 - x1 मतलब घट रहा है तो जोड़ देंगे, जो जो चीज जुड़ रही है वो घटा देंगे, जैसे ये दोनों जुड़ रहे हैं तो हम घटा देंगे, x - 6 का होल प्लस ये जोड़ो से घटाओ को फर्क नहीं पड़ने वाला, 5 का 5 ही रहेगा, तो यार इधर x और माइनस था ये घट रहे हैं तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये चिन्ह है माइनस का जो एक थोड़ा चेंज कर देता है, एक x + 4 का होल स्क्वायर, पीछे 0 है मतलब ही नहीं है, सीधा 5 का स्क्वायर लिखो तो चलेगा, या घटा कर लिख दो 5 - 0 का स्क्वायर तो भी आपके 5 ही आएगा, क्यों नहीं है। अब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, फिर 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल, पहले इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, पहली संख्या का होल स्क्वायर -2 * पहली संख्या * दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर बराबर पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस 2 * पहली संख्या * दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हल करो कितना होगा आपके, x² प्लस छद्म कितना हो गए 12x प्लस 36 और इधर x² प्लस 8x प्लस ही है या माइनस है, या है माइनस या है प्लस, इधर है माइनस है, फिर है आपके 416 x² प्लस का ये भी प्लस है कैंसिल, सेम कैंसिल क्यों बीच में बराबर चले इसीलिए, अब ये है माइनस का 12x प्लस का उधर हो जाएगा आपके माइनस का बराबर 16 - 36 कितना आता है आपके माइनस का 20 यह से लिख आगे 12 और 8 कितने हो गए माइनस का 20x बराबर माइनस का कितना हो गया आपके 20 गुणा भाग में एक्स का मान जाएगा माइनस का 20 - -20 ये वो बिंदु पूछे तो कौन सा बिंदु होगा एक और क्योंकि एक्स का मान हमारे पास कितना आ गया एक और जीरो का जीरो एक और जीरो बिंदु ऐसा है कि जहां पर ये दोनों बिंदु क्या है इससे समान दूरी पर है दोनों तरफ दूरी क्या है आपके एक समान मतलब ये चित्र बनाओगे ग्राफ एक जीरो का आता है यहाँ आता है फिर इन्हें कहा 6 5 6 5 मतलब प्लस का ही 6 और इसे मान लो यहाँ 6 आ रहा है यहाँ 5 आ रहा है फिर इसने कहा है कि -4 5 तो -4 कहाँ आपके ये जो -4 है फिर ये 5 ये जो दूरी है आपके दूरी क्या है आपके बराबर क्योंकि देखो यहाँ इधर एक ज्यादा है इसलिए 6 ले लिया यहाँ इधर कम इसलिए इसने क्या ले लिया 4 ले लिया ताकि एक एक और 5 ही यहाँ पर 1 से 6 कितना होता है ये 6 और ये 1 है कितना 5 का गैप है ये 1 और ये 4 का गैप कितना हो गया है यहाँ भी 5 का गैप हो गया और यहाँ बिंदु बिल्कुल सामने सामने है तो ये दूरी क्या हो गई आपके बराबर वैसे बताने की कोशिश कर रहा था कि बिंदु यहाँ पर एक ही अनुपात हो देखो अनुपात तो होता है एक ही लाइन पर और आपके अनुपात बराबर नहीं है मतलब आपके पॉइंट या थोड़ा ऊपर है या थोड़ा नीचे दूरी तो बराबर है सूत्र तो आप लगा सकते हो क्या होता है मध्य बिंदु को का भी लगा सकते हो उससे भी उत्तर आ जाएंगे यार लेकिन फर्क ही रहेगा कि उसी दूरी नहीं ये आपके क्या है केवल दूरी बराबर है दूरी बराबर तो आपके कहीं से भी हो सकती है थोड़ा नीचे लाओ तो भी हो जाएगी बीच में लाओ तो भी हो जाएगी इसलिए आपको तो ज्ञात करना है वो हमेशा आपको क्या ज्ञात करना है
ये दूरी दे रखी है, तो दूरी से ज्ञात करेंगे और सीधी रेखा दे रखी, तो अनुपात दिया भाई कि एक अनुपात में या बराबर अनुपात में, तो फिर सीधी लाइन आ गई या सीधी लाइन है, थोड़ी सी तिरछी करनी है आपको, वो जरूर नहीं। इधर अभी जैसे चित्र बनाया था ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो यहाँ भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, जो होगा कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों माइनस के होते तो ये ऊपर आता था और ये दोनों प्लस के है, शुरुआत के वाई का मान जो ऊपर उतर आ रहा है। फिर जैसे दे रखा है आपके जैसे इसने कहा है कि चार बिंदु है लगातार क्रमशः, तो चार बिंदु आपको लगाने हैं, चतुर्भुज है, चतुर्भुज चार बिंदु दे रखे हैं, ए तो दे रखा है आपके छह और एक, बी दे रखा है आपके आठ और दो, और सी दे रखा है आपके नौ और चार, और डी दे रखा है आपके एक्स और वाई। ये डी के दोनों एक्स वाई याद करने, देखो पहले मैंने किया आपके चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में एक दूसरे को दो भागों में बांट है, यहां भी ये आपके दूरी बराबर है, अब दूरी का भी लगाओगे तो भी चलेगा, और लेकिन अगर सीधी दूरी है तो सीधे सबसे इजी लगाओ वो है आपके मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु का लगाएंगे, ये वाला हम पॉइंट याद करेंगे ई पॉइंट। अब ई को पॉइंट ऐसे याद करो, चाहे ऐसे याद करो, उत्तर आपके वही आने वाले, कोई चेंज होने वाले नहीं। जैसे क्या करो, इनको मान लो आप वन और ये मान लो आपको टू, वन टू गिन लो ताकि इजी से याद हो, इसको मानो आप एक्स और वाई। अगर आपको ये वाला पॉइंट याद करना, या सिंपल है ना, वो कैसे इन दोनों की जोड़ कितनी होती है, नौ और छह पंद्रह, इन दोनों की जोड़ भी कितनी होनी चाहिए, पंद्रह होनी चाहिए, पंद्रह में से ये कितना दिया हुआ है आपके आठ, पीछे कितना बचेगा, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा आपके सात आएगा। अब इन दोनों की जोड़ कितनी है, पांच, तो इन दोनों की जोड़ भी कितनी होनी चाहिए, पांच, पांच में से दो तो दिया हुआ है, तो यहाँ कितना बचेंगे तीन, ये आ गया उत्तर, सिंपल। फिर भी अगर आपको ज्ञात करना है पूरा तरीके से, तो सिंपल लिखना है आपको ई पॉइंट याद करना है, ई के एक्स और वाई याद करने है। तो पहले ऐसा करो, पहले ई का एक्स याद करो, सूत्र क्या है याद करने का, एक्स टू प्लस एक्स वन बटा दो, और अगर वाई याद करना है तो हो जाएगा वाई टू प्लस वाई वन बटा दो। सबसे पहले हम ई का एक्स याद करेंगे, दोनों तरफ से याद करेंगे, ए व सी से भी करेंगे और बी व डी से भी करेंगे, मतलब चाहे इधर से याद करो चाहे इधर से याद करो, तो वही आने वाले। हम क्या करेंगे, पहले ए और सी से याद करेंगे, तो 9 प्लस 6 बटा 2, एक्स टू प्लस एक्स वन बटा 2, एक्स टू प्लस एक्स वन बटा 2, फिर इन दोनों को अगले वाले को जोड़ेंगे, दो का भाग लगाएंगे, 8 प्लस एक्स वन बटा 2, या केवल एक्स लिख दो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम एक्स वाई याद कर लेंगे यहाँ के, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपके 15 बराबर 8 प्लस एक्स वन, इधर भेज दो तो एक्स वन हो जाएगा आपके 15 माइनस 8 बराबर 7। अब हमें याद करना है ई का वाई याद करना है, सूत्र क्या है याद करने का, वाई टू, अभी वाई टू तो हमने सूत्र लिख दिया हमने, अब पीछे वाले लेंगे, पीछे वाले दोनों पॉइंट लेके दो का भाग, 1 प्लस 4 बटा 2, इससे क्या उत्तर आता है, ये उत्तर आता है, इसे इन दोनों से करते तो उत्तर आपके वही आता, इन दोनों से y2 और 2 से y2 प्लस 2, y1 है तो y1, y2 है तो y2, कोई बात, प्लस 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यह है 5 बराबर y1 प्लस 2, पक्षांतर कर दो तो y1 का मान हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3। अब हमें d का xy याद करना है, तो d का xy क्या हो जाएगा, 7 और 3, ये 7 आया, ये 3 आ गया, दोनों पॉइंट आ जाएंगे। फिर तो फिर लिखो जितने कम है उसके बारे में, फिर है आपके ये दे रखा है माइनस 1 और माइनस 2, और माइनस का 3 और कितना दे रखा है 4, इसको समान तीन भागों में बांटना, तीन भागों में बांटने का जाए तो दो लाइन कितनी, दो भागों में बांटने का है तो एक लाइन कितनी, क्योंकि दो बार तोड़ेंगे तो तीन टुकड़े हो जाएंगे, ये एक बार हो गया और ये दूसरी बार हो गया, समान तीन भागों में, तो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात अपने मन से निकालना, ये तो हो गया एक बार, तो ये हुआ दो बार,
अगर जैसे मान लो ये है ए, ये है बी, और ये समझ लो सी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, डी। अगर आपको सी पॉइंट याद करना है, सी के जो पॉइंट याद करने, उसके लिए अनुपात क्या होगा आपके, कितना होगा, एक तो इधर हुआ और दो इधर, इधर एक भाग है, इधर दो भाग, अनुपात हो जाएगा एक अनुपात दो, एम वन और एम टू, एक और दो। और बी याद करना है तो एम वन हो जाएगा दो और एम टू हो जाएगा आपके एक। तो देखो सबसे पहले अगर आपको सी याद करना है, सी के एक्स वाई ज्ञात, तो लगाओ क्या फॉर्मूला है, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटा दो, क्या दो एम वन प्लस एम टू, ऐसे लगाओ तो ठीक है, ऐसे याद नहीं होते हैं, ऐसे लगा लो एम वन प्लस एम टू बटा एम वन प्लस एम टू, यहाँ लगाएंगे वाई टू और वाई वन, एक बार लगाएंगे एक्स टू एक्स वन, यहाँ लगाएंगे वाई टू वाई वन। सी का अगर पॉइंट याद करना है एक्स वाई, अनुपात कितना होगा आपके, एक और दो, एक प्लस दो बटा एक प्लस दो, एक प्लस दो बटा एक प्लस दो। अब देखो आपके कितना हो जाएगा एक्स टू एक्स वन, एक्स टू कितना है माइनस, एक्स टू कितना है माइनस तीन एक, ये वाला, ये दोनों लेने, कितना है माइनस तीन और एक। फिर वाई टू वाई वन, चार और माइनस दो, यह आ जाएगा चार और माइनस दो, ये हो जाएगा आपके माइनस का तीन प्लस का दो बटा तीन, चार माइनस चार बटा तीन, ये हो जाएगा जो तीन में से दो गया, माइनस का एक बटा तीन और जीरो बटा तीन, माइनस का एक बटा तीन और जीरो। आप चाहो इसका, अब तो जैसे हमने केवल चेंज किया करना है, अगले वाले में दो आगे और एक पीछे, ये चेंज होंगे, माइनस तीन एक का माइनस तीन एक ही रहेगा, चार माइनस दो का यही रहेगा, फर्क है दो आएगा आगे एक आएगा पीछे, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऊपर फर्क पड़ेगा। इसको गुणा करेंगे चार को तो करेंगे दो से गुणा, और इसको करेंगे हम एक से गुणा, बस ये थोड़ा फर्क रहेगा। अगर हम डी वाला पॉइंट याद करते हैं, डी वाला पॉइंट याद करते हैं, दो की जगह एक आ जाएगा, एक की जगह दो आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं, उससे हम याद कर लेंगे दूसरा पॉइंट।